What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 2 मार्च 2020 मंडे है, सुबह के 8:13 हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, नया मंथ है, नया वीक है। लास्ट वीक हमने देखा करीब करीब 800 पॉइंट की निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। 800 पॉइंट की गिरावट एक वीक में 2008 के बाद ये देखने को मिला है, 800 पॉइंट की गिरावट। और सैटरडे को तो 400 पॉइंट एक ही दिन में गिर गया था। जो कोरोना वायरस है उसने भयंकर रूप अपना लिया है यहाँ पर। अभी यूएस में भी उसके कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसके मद्देनजर पूरी कंट्रीज प्रिकॉशंस ले रही है। अभी कल ही देखे तो भारत ने ईरान से आने वाले यात्रियों पर बंदी लगा दी है। तो ऐसे स्टेप्स अगर हर एक कंट्री लेगा तो इसका सीधा असर उसके बिजनेस पे भी गिरेगा। कल टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ ने भी कहा है कि चाइना से जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आने वाले पीरियड में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर इसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस के ऊपर एक अच्छा न्यूज़ जब तक नहीं आता तब तक यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। कल यूएस में भी सेकेंड डेथ हो गई है वायरस को लेकर, तो हो सकता है यूएस भी आगे जाके कड़े स्टेप्स ले। और टर्की और सीरिया के बीच में एक वॉर शुरू हो चुका है, तो ये भी एक काफ़ी निगेटिव न्यूज़ है पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो वॉर सिचुएशन भी काफ़ी डेंजरस होता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर अभी जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है वो काफ़ी मार्केट को लेकर वीक है, बेयर्स हावी हो सकते हैं। और तो लेकिन कहाँ पर सपोर्ट है निफ्टी इंडेक्स में, ये हर रोज़ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये हर एक सपोर्ट को काफ़ी इजी तरीके से ये ब्रेक करते जा रहा है और टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव कर रहा है। तो अभी हर एक सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर है उसको पकड़ के हम इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टर्स के लिए ज़बरदस्त मौका है, इन्वेस्टर्स ऐसे फेस के लिए एकदम पानी में जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा डालकर बैठा जाता है, इन्वेस्टर्स ऐसे ही फेस के लिए वेट करता है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए, हर एक सपोर्ट पे वो मार्केट में हर एक अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगा सकता है। और ये ऐसा जो फेज है इसके ऊपर हमने और एक वीडियो बनाया था, तो इसकी वीडियो की लिंक या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर देख लीजिए। ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है मार्केट में एंटर होने के लिए। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देखेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। नया मंथ शुरू हो रहा है तो मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। हालांकि हमने 2-3 दिन पहले भी मंथली चार्ट का एनालिसिस किया था, फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट देखे तो फ्राइडे को काफ़ी वीक ओपन हो चुके थे, हालांकि जैसे ही ट्रेडिंग आवर्स ख़त्म हो रहे थे तो वहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिली थी। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो फ्राइडे को वहाँ पर ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला था। एशियाई मार्केट जब आज खुल गए तो एसजीएक्स निफ्टी 126 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, जापानीज इंडेक्स भी 234 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। चाइना मार्केट भी 61 ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा है। और डाउ फ्यूचर देखे तो वो भी 233 पॉइंट की रिकवरी इस समय दिखा रहा है। तो एक रिकवरी देखने को मिल रही है अभी इस वक्त। ग्लोबल क्यूज जैसे कि चल रहे हैं काफ़ी निगेटिव है, लेकिन हालांकि अभी एशियाई बाज़ार में थोड़ा सा रिकवरी फेज यहां पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, प्राइस एक्शन वर्सेस आरएसआई, तो यहाँ पर ये जो दो साल थे 2016 और ये 2017 और उसके बाद में 2018 और ये 2019 का चार्ट है। मंथली चार्ट देख रहे हैं, एक कैंडल एक मंथ का हाई लो ओपन और क्लोज हमें प्रेजेंट करता है। तो लास्ट 2 इयर्स यहाँ पर हम आरएसआई और प्राइस एक्शन में देखें तो निगेटिव डाइवर्जेंस है। ऊपर प्राइस एक्शन में ये हायर हाइज बना रहा है, लेकिन अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई में तो यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे हैं। यानी ये जो आरएसआई हमें बायर्स और सेलर का स्ट्रेंथ दिखाता है उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है कंपेयर टू सेलर्स। तो यहाँ पर ये जो हर एक नए लेवल्स अचीव कर रहा है निफ्टी इंडेक्स, उसके बाद में एक ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है, एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर ये जो 2016 और 17 में हमें एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली देखने को मिली थी, करीब 3000 पॉइंट्स का ये रैली था,
और अभी 2 साल में देखे तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का ही सिर्फ 2 साल में ये रैली देखने को मिला है। लेकिन ऊपरी लेवल्स पे जैसे ही निफ्टी नए हाईस को अचीव कर लेता है, एक करेक्शन आ जाता है। तो आरएसआई हमें यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जेंस थ्रू ये इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी ये जो करेक्शन आ रहा है, एक करेक्शन ऊपरी लेवल के बाद ये करेक्शन आता है, तो ये किस लेवल तक हमें और करेक्शन दिखाई दे सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज कर सकते हैं। ये हरे की यहाँ पर ये देखिए, ये स्विंग हाई बने हुए हैं ये ऐसे यहाँ पर। तो ये जो करेक्शन आया है, ये कौन से लेवल तक ये हमें करेक्शन दिखा सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये स्विंग हाई को अगर हम पकड़ के ये ड्रॉ करें, तो आप देख सकते हैं इसने 50% के पास इसने सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक दिखाया था। नेक्स्ट स्विंग हाई यहाँ पर बन रहा था ये यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं इसने 23.6% का ये जो लेवल है यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था। उसके नेक्स्ट वाला स्विंग हाई को अगर हम ड्रॉ करें, तो यहाँ पर इसने 38.2% के आसपास इसने सपोर्ट टेस्ट किया था और 20 MA को पेनेट्रेट करके बाउंस बैक दिखाया था। अभी नेक्स्ट स्विंग हाई को पकड़े हम, तो यहाँ पर क्लियरली इसने 23.6% को फिर से एक बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया था 20 EMA के पास और फिर बाउंस बैक दिखाया था। तो अभी का ये जो यहाँ पर स्विंग हाई बना है और ये जबरदस्त करेक्शन दिखाई दे रहा है, तो अभी ये ऑलमोस्ट 23.6% के पास है, यानी 11107 ये मेजर सपोर्ट होगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे हमें 10,289 यानी ऑलमोस्ट 10,300 के लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर ही 50 EMA का ये ब्लू लाइन आ रहा है मंथली चार्ट में, जहाँ पर इसने 2016 में सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था। तो यहाँ से अगर फेयर ज़्यादा मार्केट में पैनिक अगर होता है, तो यहाँ से हमें टूअर्स 10,300 तक का लेवल अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल होप सो कि ये जैसे 20 EMA को पेनेट्रेट करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऐसा ये इस महीने में हमें दिखाई दे, तो एक आशा होगी कि यहाँ से फिर से निफ्टी रिवर्ट टू अपवर्ड हमें दिखा सकता है। तो ये मंथली चार्ट का अभी तक का सिनारियो है। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट को देखें तो लास्ट वीक का ये जो स्ट्रांग लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना है, 800 पॉइंट का ये गिरावट है, एग्जैक्ट ये 100 EMA के पास आके अभी ये स्टॉप हुआ है 100 EMA। तो पास्ट में आप देख सकते हैं जैसे ही 100 EMA के पास आता है, इस लेवल को पेनेट्रेट करके या बाउंस बैक दिखाता है। यहाँ पर ये दूसरी बार इस लेवल के पास आता है, पेनेट्रेट करता है और फिर बाउंस बैक दिखाता है। तो अभी ये थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम क्या ये फिर से वही हिस्ट्री रिपीट करेगा, यहाँ से बाउंस बैक होगा या फिर इस लेवल को भी ब्रेक करके ये और टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से मूव होगा। तो अगर हम इसे वीकली चार्ट में, ये जो वीकली चार्ट है यहाँ पर अगर हम 200 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये 100 EMA को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 200 EMA यहाँ पर 38.2% के पास आ रहा है एग्जैक्ट 10,300। तो यहाँ पर भी अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है डायरेक्ट 1,000 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट नीचे। पास्ट में भी इसी लेवल के पास से इसने बाउंस बैक दिखाया था, ये देखिए। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट 10,300 के लेवल तक निफ्टी इंडेक्स यहाँ से मूव हो सकता है। लेकिन अभी जैसे ग्लोबल क्यूज भी है, अगर कोई भी पॉजिटिव साइन आती है तो हो सकता है एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर अभी फिलहाल पैनिक सिचुएशन बना हुआ है, ओवरनाइट अगर लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बनाना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक प्राइस एक्शन में ऐसे कोई भी रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहे। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर बात करें तो 23.6% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा था, इसी के पास अगर आप यहाँ पर देखें तो पास्ट में इसी लेवल के पास एक सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ है। तो लगातार 6 दिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक दिन ये जो क्लोज हुआ है वो प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसके नीचे क्लोज हुआ है। कंटिन्यू 6 दिन यहाँ पर हमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, लोअर हाईज लोअर लो का।
तो ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का ये प्राइस एक्शन का पैटर्न है। तो यहाँ पर 11,100 के पास एक सपोर्ट है, वो अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर होगा अराउंड 10,800 के पास, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर 11,100 को अगर ब्रेक करता है। तो हमने डेली, वीकली और मंथली चार्ट को एनालिसिस किया। डेली चार्ट में और एक बात है, RSI 30 यानी ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है, लेकिन अभी तक ऊपर प्राइस एक्शन में कोई भी रिवर्सल सिग्नल नहीं है, तो यहाँ से ये ओवरसोल्ड कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड भी हो सकता है। तो लॉन्ग जाते वक्त थोड़ा वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। काफी मुश्किल है ऐसे फेज में ट्रेड करना, जो फ्रेशर्स हैं, नए हैं, वो अवॉइड करें ट्रेड करना, ये सिर्फ और सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए है। अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है, ये जो दोजी कैंडलस्टिक बनाया था, यानी यहाँ पर इनडिसिव पैटर्न है, लास्ट हाफ एन आवर में निफ्टी इंडेक्स ने एक दोजी कैंडल बनाया था, तो इसके ऊपर पिवट पॉइंट का लेवल है 11,253। अगर इसको ब्रेक करता है, कंफर्टेबली इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,278, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,300, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है, जैसे कि अभी एशियाई मार्केट दिखा रहे, अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो 11,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही बाय पोजिशन हम बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा R1 का पिवट पॉइंट का लेवल, जो कि 11,332 है, अगर 11,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव करता है तो दोजी कैंडल यानी कल फ्राइडे के लो के नीचे अगर चला जाता है 11,175, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,147, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,121, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।